what you are mentioning, one more thing, like most of the banks, they keep their annual performance targets on the basis of outstanding, not on the basis of disbursement. Outstanding. So disbursement has nothing to do that. क्या है कि इसको बढ़ाएं और बढ़ाने की कैसे इसको बढ़ाया जाए इसके बारे में डिटेल चर्चा हो। फिर उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का, उसमें अधिक से अधिक फाइनेंसिंग हो, यह प्रयास किया जा रहा है। और इस साल 45,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग हुई थी और इस अगले वित्तीय वर्ष में जो अभी करेंट वर्ष 75,000 लगभग उसका टारगेट है। मुद्रा योजना के तहत अभी तक 39,00,000 लोगों को इसका लाभ दिया गया, अभी रिटर्न किया गया है और इसमें भी जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं इसका प्रयास किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड में 18,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पहुँचाया गया है और इसको पूरी तरह सब्सिडाइज करने के लिए प्लानिंग की जा रही है और उसके लिए निर्देश दिया गया है। तो एक और कई प्रायोरिटी सेक्टर की, गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर के प्रोग्राम्स हैं और पूरे SEP को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए डिफरेंट योजनाएँ हैं, उस पर डिटेल में विचार चल रहा है। और सभी बैंक एक्टिवली पूरी इकोनॉमी में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में काम करें और जहां भी लोन की ज़रूरत है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वो लोन मुहैया कराएं, इसके लिए सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। NPA बढ़ रहा है तो चिंता जताई है बैंकों ने? हाँ, NPA बढ़ा है और ये चिंताजनक है। तो NPA को कंट्रोल करने के लिए एक तो सर्फेसी एक्ट में एक्शन लेने के लिए सभी DC सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और डेडिकेटेड सर्टिफिकेट ऑफिसर बैंक के लोन के रिकवरी के लिए, उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही वो ऑफिसर्स नियुक्त किए गए।